सब सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास इस वक्त, और कोई चारा नहीं है। तो मेहंदी को अपने पास जोर से पकड़ो, उसको कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डू दिस। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और मेहंदी को जोर से पकड़ लेना, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे तो ये भी लगता है कि उसकी बेटी भी जिंदा है। ऐसे कैसे हो सकता है? उसे तो मरना ही था। ब्रेक फेल करवाया था, तो एक्सीडेंट तो यकीन नहीं था। एक्सीडेंट तो करवाया था माँ, लेकिन मर गया वो आमिर। उसी ने हीना से कहा था, अपनी बेटी को लो और कूद जाओ। वो अपनी बेटी को लेकर कूद गई। वहाँ पड़ी है गाड़ी आमिर के साथ। हीना भी यहीं कहीं होगी। हीना की एक बेटी उसके पास है, अगर दूसरी भी उसके पास रही ना, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन रूबी, तुम हीना को ढूंढोगी कहाँ? मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। सुल्ताना बेगम बोल रही हूँ। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? बेगम, बेगम, क्या बात है मिर्जा साहब, ये सब क्या ले आए? बेगम, आज हमारी दूसरी नवासी आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ कुछ खिलौने लाया हूँ मैं, देखिए ना। और कुछ कपड़े भी लाया हूँ, ये देखिए। और हाँ, पायजेब भी लाया हूँ। अच्छा। बहुत खूबसूरत है। और नोट किया जाए कि मैं दो दो लाया हूँ। Yeah!
माँ, हीना का कुछ पता नहीं चला, ना मेहंदी का। अब मैंने ना मेहंदी की रोने की आवाज ऊपर से सुनी, मुझे लगता है हीना भी वही होगी। चलिए। नहीं, हीना मर चुकी है और मेहंदी हमारे पास आ चुकी है, समझ लो ये इसका बात। क्या मतलब हुआ? पुलिस, चलो यहाँ से। लेकिन 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 का वक्त नहीं है रूबी। अगर पुलिस ने हमें यहाँ देख लिया तो हमारा इस मुल्क से भाग निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलो मेरे साथ। माँ, मैं हीना का मरा मुंह देखे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम रहो यहाँ, मैं चली। लो, हीना का ही फोन होगा। हीना बेटिया, अभी कहाँ हो, कब पहुंच रही हो तुम? मैं इंस्पेक्टर भोसले बोल रहा हूँ। MH044639। क्या ये कार आपकी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी गाड़ी है। इस कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? इस कार में एक मोबाइल मिला है जिसमें लास्ट नंबर आपका ही डायल किया गया था। इंस्पेक्टर साहब, ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ? अब मैं भी पूछता हूँ। क्या बात है मिर्जा साहब, किसका एक्सीडेंट हुआ, आप बोलते क्यों नहीं? बेगम, मेरे मेरे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे जाना होगा। समीर। हाँ अंकल, बोलिए। अब बेटे, इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं घर पे हूँ। देखो, फौरन तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्या बात है अंकल, आप घबराए हुए लग रहे हैं। भाई, हीना का। हीना? क्या क्या हुआ हीना को? मिर्जा साहब, मैं आई एम जस्ट कमिंग। क्या हुआ बेटा, यू चाय? अंकल, क्या बात है, क्या हुआ हीना? हीना, हीना किसी मुसीबत में तो नहीं है? हीना का एक्सीडेंट हो गया। ये लाश की पहचान कर लीजिए। आमिर, या अल्लाह, ये आपके क्या लगते हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये डॉक्टर आमिर है, हमारे फैमिली फ्रेंड। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इनके साथ मेरी बेटी हीना थी। हीना, वो कहाँ है? और एक छोटी बच्ची थी इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है वो? हमें तो बस यही एक बॉडी मिली है। हीना!